हमारी प्रकृति द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे औषधीय पौधे उपलब्ध कराए गए हैं जिनका उपयोग करने से हम कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पौधों के बारे में गलत धारणा भी लोगों के बीच गई है और कुछ लोगों ने इन पौधों को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग इनसे परहेज करते हैं। कुछ इसी तरह का उल्लेख भांग के पौधे का भी मिलता है। कहा जाता है कि आयुर्वेदिक पद्धति में भांग के पौधे को काफ़ी उपयोगी माना जाता है। ऐसे में हमारे साथ पौधों के एक्सपर्ट हैं, हम तो ये जानना चाहेंगे भांग का पौधा किस तरीके से बीमारियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। सर प्रथम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर विजय मलिक है, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड हूँ और मैं पिछले 25 सालों से प्लांट टैक्सोनॉमी और मेडिसिनल प्लांट पर टीचिंग कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में, और मेडिसिनल प्लांट और टैक्सोनॉमी पर ही मैं रिसर्च करता हूँ। सर मैं देखा है कि अक्सर लोग भांग का नाम लेते हैं, वो नशे की बात करते हैं, लेकिन किताबों में उल्लेख है कि जो अपना भांग है आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है, कितनी उपयोगी है भांग? बिल्कुल सही कह रहे हैं, भांग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है नशे के लिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल किसी भी एंगल से मैं सही नहीं कह सकता। और बॉटनी की भाषा में इसको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं। भांग हमारी कंट्री में थ्राउट कंट्री मिलता है, कहीं भी चले गए आप, इसके जो पत्ता है मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा जो इसका सीड होता है इसकी गजब की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भांग से ही हमको गांजा मिलता है, कॉमन भांग मिलती है, और चरस और हशीश भी इसी से मिलता है। ये एक प्लांट है, प्रोडक्ट अलग अलग है, ये अलग अलग जगह से मिलते हैं। भांग का जो प्लांट होता है इसके अंदर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं और पत्ती दोनों प्लांट की इम्पोर्टेंट होती है। किस तरीके से बीमारियों को दूर करता है? इसकी पत्ती का को हम यूज करते हैं मेडिसिनली, इसकी पत्ती को थोड़ा सा क्रश करते हैं। अगर किसी आदमी को नींद संबंधी प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो तलवों पे जो इसकी पत्ती को रगड़ के, मतलब नींद जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलेगा, इंसोम्निया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके अलावा अगर किसी को मानसिक प्रॉब्लम भी है तो भी इसकी पत्ती को इसी प्रकार से यूज किया जा सकता है, इनके पैरों में इसको रगड़ के इसको जो है राहत भी लगी जाती है। सीड्स होते हैं उसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? भांग के सीड मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सीड के अंदर मैं बताना चाहूंगा 33% प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबल होता है, और उसके अंदर सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। इसके अलावा सीड के अंदर जो फैटी एसिड होता है जिसको हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 बोलते हैं, वो उसका भी ये नेचुरल सोर्स है। जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी आदमी को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इसके सीड को नाश्ते का अपना पार्ट बना लेना चाहिए, मतलब सीड को हम इसको जरूर यूज करना चाहिए। और एक और मैं बताना चाहूँगा, सीड से बिल्कुल कोई नशा नहीं होता इसके सीड से, और सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन। मतलब कह सकते हैं कि जो ये नशे में उपयोग होने वाली जो चीज है ये लोगों के रोग दूर करने में भी काफी उपयोगी है। नहीं, नशे के लिए तो इसको बदनाम कर दिया, एक्चुअली में ये नशे के लिए नहीं है, ये दूसरी चीजों के लिए है, ये तो डिफरेंट जो डिजीज है उनके लिए रामबाण है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको।